दोस्तों आज की कहानी है बहू तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नेहा सुबह सुबह रसोई में खाना बना रही थी कि तभी उसकी सहेली रीमा का फोन आया। वह फोन पर नेहा से कहने लगी, मार्केट में बेहद खूबसूरत और फैंसी कपड़ों की सेल लगी है, चल रही है खरीदारी करने के लिए। खूब खरीदारी करेंगे और खाना भी होटल में खा लेंगे। रीमा की बातें सुन कर नेहा बोली, मुझे मार्केट में नहीं जाना, मेरे पास पहले से ही बहुत सारे कपड़े हैं और खाना भी मैं घर में ही खाऊंगी। बाहर का खाना खाने से वैसे भी पेट खराब हो जाता है, अब मैं घर का बना खाना ही खाती हूँ। फिजूल खर्ची की आदत मैंने छोड़ दी है। नेहा की बातें सुनकर रीमा ने फोन रख दिया था। रसोई के बाहर खड़ी उसकी सासू माँ नेहा की बातें सुन रही थी। वे नेहा से बोली, बहू क्या तू अब कभी मार्केट नहीं जाएगी? तब नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी मैं मार्केट तभी जाऊंगी जब मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। बेमतलब की चीजों पर पैसा बर्बाद करना छोड़ दिया है, अब मैंने खुश नसीब हूँ मैं जो मुझे आप जैसी सास मिली। यदि आप समय पर मदद ना करती तो पता नहीं क्या होता। नेहा की समझदारी भरी बातें सुनकर उसकी सास के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। कुछ समय पहले नेहा ऐसी नहीं थी। नेहा बेहद मस्त मौला और लफड़वा किस्म की युवती थी। उसे नए नए कपड़े खरीदने का शौक था। उसके पति नीलेश एक कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करते थे। दो बेटे थे उसके, अंश और वंश, दोनों प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। नेहा के ससुर नौकरी से रिटायर हो गए थे और घर पर ही रहते थे। उन्हें जो भी पेंशन मिलती थी उसे वह अपनी पत्नी सुहासिनी के हाथ में थमा देते थे। सुहासिनी सिर्फ जरूरत के अनुसार ही पैसे खर्च करती थी, बाकी जो पैसे बचते उन्हें अपनी अलमारी में रख देती थी। इसके विपरीत उनकी बहू नेहा बेहद फिजूल खर्ची करती थी। वह हर हफ्ते अपनी सहेलियों के साथ मार्केट जाती, फिर वहां के ढेरों कपड़े और खूब सारा सामान खरीद कर लाती थी। एक दिन नेहा को उसकी सास ने समझाया, इस तरह से पैसों की बर्बादी करना ठीक नहीं, कुछ पैसा जोड़ कर भी रखना चाहिए, क्या पता कब कैसा वक्त आ जाए। तब नेहा हंस कर उनकी बात टाल कर कहती,
क्या करना है पैसा जमा करके? मुझे तो शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। आप बेकार, मैं अपने पैसे जमा करती हूँ, आपको भी हमारे साथ शॉपिंग करने सलाह करो, बहुत मजा आता है खरीदारी करने में। नेहा की बातें सुनकर उसकी सास मायूस हो जाती थी। एक दिन जब नीलेश नौकरी करके अपनी गाड़ी से घर आ रहे थे, तो रास्ते में एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिससे नीलेश के सिर में शॉट लग गई थी। शॉट लगने से मिले नीलेश के सिर से खून बहने लगा था। जैसे ही नेहा को अपने पति के सिर में शॉट लगने का समाचार मिला, वह तुरंत अपने पति को अस्पताल में एडमिट करवाने के लिए गई। जब अस्पताल में डॉक्टर ने नीलेश के सिर में खून बहता देखा, तो उन्होंने नेहा से कहा, इनका खून रोकने के लिए जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें अभी 20,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। डॉक्टर की बात सुनकर नेहा घबरा गई थी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वह दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर सोचने लगी, अब इतने सारे पैसे का इंतजाम मैं कहाँ से करूं? उसने अपनी सहेली रीमा से मदद मांगी, तो उसने नेहा की मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। वह नेहा से माफी मांगते हुए बोली, मेरे पास जो भी पैसे थे सब शॉपिंग में खर्च कर दिए, अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। रीमा की बातें सुनकर आज उसे अपनी सास की कही हुई बात बेहद याद आ रही थी। यदि वह उनकी बात मानकर फिजूल खर्ची में पैसे खर्च ना करती तो आज ये नौबत ना आती। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वह क्या करे। तभी उसने देखा कि उसकी सास एक पर्स में कुछ लेकर आ रही थी। आते ही उसने नेहा को देखा, नेहा उन्हें देखकर एकदम से रोने लगी और रोते हुए डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन करने और पैसा जमा करने की बात कहने लगी। ये देखकर उसकी सास ने उसे प्यार से समझाया, बहू तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी, तू डॉक्टर से बोल जल्दी से नीलेश का ऑपरेशन करे, पैसे मैं जमा कर दूंगी, तेरे ससुर की जो पेंशन आती थी ना मैं उसे ये सोच कर जमा कर देती थी कि पता नहीं कब कैसा वक्त पड़ जाए, इसलिए तो मैं तुझे भी समझाती थी कि ज्यादा फिजूल खर्ची ना किया कर। सासू माँ की बातें सुनकर नेहा खामोश हो गई थी। उसने जल्दी से डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने जल्दी से ऑपरेशन करके नीलेश के सिर से बहते हुए खून को रोक दिया था।
जिससे नीलेश की हालत में सुधार होने लगा था। कुछ दिनों के बाद जब नीलेश बिल्कुल ठीक हो गया तो उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। कुछ समय आराम करने के बाद नीलेश फिर से अपनी ड्यूटी पर जाने लगा था। एक दिन नेहा के पास फिर से उसकी सहेली रीमा का फोन आया। रीमा उससे मार्केट में चलकर खरीदारी करने को बोल रही थी। नेहा की समझ में अब पैसों का महत्व आ गया था, इसलिए उसने रीमा से खरीदारी करने के लिए मना कर दिया था। नेहा की सास नेहा में आए बदलाव को देखकर बेहद खुश थी।